अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ अला फलाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबियन व आदम बैन अल माई व तीन व अला आलिही व असहाबिही तय्यिबीन ताहिरीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक्वल क़ुलूब صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। محترم برادران اہل سنت قابل احترام بزرگوار دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ। حصول برکت کے لیے آئیے مراب مل کر انتہائی ادب احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ आकाए नामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों के गमगुसार अरवाहुना फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की बारगह बेकस पनाह में झूम झूम कर बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने पड़े। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मोहतरम हज़रात माहे रबीउल आखिर की एक बड़ी अजीम यादगार तारीख यानी 11 रबीउल आखिर को यानी गुज़श्ता जुमा हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रदियल्लाहु अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए नज़र व नियाज फातिहा इसाले सवाब और मुख्तलिफ तरीक़े से एहतमाम होते रहे और मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला जारी है। इसी दरमियान एक सवाल हम तक पहुँचा जबकि इस सिलसिले में मैं कई दिन से सोच रहा था कि इस पर मुकम्मल तौर पर चंद दलाइल की रोशनी में गुफ्तगू हो, लोगों के जहन व दिमाग में जो भी शुकोक व शुबहात हैं वो दूर हो जाएं। दरस तफसीर में जो गुज़श्ता शनिचर को हमारा दर्स हुआ था उसमें मैंने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी और कुछ जवाबात पेश किए थे। फिर से मैं इसको एक दूसरे अंदाज से दूसरे रुख से आपको ये बताना चाहूँगा। सवाल ये है कि हम अल्लाह वालों का अदब और एहतराम बहुत करते हैं। अदब एहतराम क्यों किया जाता है, अदब एहतराम की क्या ज़रूरत है? अगर आम अक्ल से अगर सोचे जिसको कॉमन सेंस कहते हैं, आम इंसानी अक्ल से भी अगर सोचा जाए तो कोई भी मोहतरम मुअक्कर शख्सियत हो तो उसका अदब एहतराम किया जाना चाहिए। लेकिन शरई नुक्ते नज़र से अदब एहतराम की क्या अहमियत है इसको आज आप समझने की कोशिश करें। ये मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि सवाल करने वालों ने जो सवाल किया है मैं समझ रहा हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस नुक्ते नज़र से सवाल कर रहे हैं, उसकी तरफ भी उसका पसे मंज़र भी आपके सामने जाहिर कर दूँ। सवाल करने वाले ये समझ रहे हैं कि अदब और एहतराम जब हम करते हैं यानी बहुत ज़्यादा तज़ीम करते हैं रिस्पेक्ट करते हैं तो इस हद तक करते हैं कि कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे अल्लाह की बारगाह में अल्लाह तबारक तआला के लिए जो हमारा अदब एहतराम और ताज़ीम का मामला है वैसे ही वलियों के लिए भी ताज़ीम और एहतराम है। तो फिर फ़र्क क्या रहा, फ़र्क नहीं हो रहा है जिसकी वजह से उनके जहन में ये बात चल रही है कि यहाँ कहीं शिर्क तो नहीं आ रहा है। शिर्क जो कि बहुत ही बड़ा गुनाह है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस पर सख्त वईदें फरमाई हैं, अजाब का जिक्र है, सख्त मजम्मत है। इन्नश शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है।
और शिर्क से बचना ये ईमान वालों के लिए बेहद ज़रूरी है। शिर्क से बग़ैर बचे ईमान सलामत नहीं होगा। तो इस पर मेरी चंद गुजारिशात हैं, जो समझना चाहें तो उनके लिए, समझने के लिए बहुत सारे यहाँ पर नुक्ते मौजूद हैं, लेकिन अगर फिर भी बात पूरी ना समझ में आए, चूँकि जुमा की तकरीर में इतना वक्त नहीं होता है कि तफसील से समझा सके, तो हमारा जो दर्स होता है उसमें तशरीफ़ लाएँ शनिचर या इतवार को, उसमें भी सवाल कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर पर्सनल सवाल करना है, तफसीली जवाब लेना है, तो आप दारुल इफ्ता में तशरीफ़ लाएँ, सुन्नी हनफी दारुल इफ्ता सुन्नी बड़ी मस्जिद में, इंशाअल्लाह तफसीली जवाब आपको मिल जाएगा। खुलासा ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अदब और ताज़ीम और एहतराम हमारे दीन में इसकी बड़ी अहमियत है, बल्कि मैं ये अगर ये कहूँ तो बेजाना होगा, हमारा मुकम्मल दीन अदब ही है। हमारे दीन में अदब और एहतराम को बहुत अहमियत दी गई है। आज का जो मॉडर्न ज़माना चल रहा है, जो नए हालात देखे जा रहे हैं, इसमें लोग अदब से बहुत दूर हो रहे हैं। तो वो अदब से दूर होने की बुनियाद पर उनके जहन में ऐसी बात पैदा होती है कि इतने अदब की क्या ज़रूरत है। जैसे एक छोटी सी मिसाल आपको शायद याद होगा, जो उमर रसीदा हजरात हूँ अच्छी तरह से जानते हैं, उस्ताद का जो पहले अदब था आज वो अदब नहीं है। एक उस्ताद पढ़ाने वाला, तो उसको आजकल एक मामूली टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर ऐसे कहते हैं, लेकिन पहले ये होता हमारे उस्ताद हैं। पढ़ाने वाला जब पढ़ाता है तो एक लफ्ज़ भी अगर उसने पढ़ा दिया तो वो हमारा उस्ताद है, उसका अदब लाजिम है। ये हमारे दीन में उस्ताद का अदब लाजिम है, उसका अदब एहतराम करना चाहिए। शायद आपको ये याद होगा, खलीफा हारून रशीद ने अपने बेटों के लिए, मामून और अमीन के लिए उस्ताद मुकर्रर किया था, एक बड़े मुहद्दिस इल्म हदीस के माहिर हजरत इमाम कसाई। तो वो उस्ताद के पास पढ़ते थे बच्चे। इत्तेफाक से एक दिन उनके उस्ताद यानी बच्चों के उस्ताद वुजू कर रहे थे, तो खलीफा हारून रशीद, जबकि वक्त की बादशाह है, उनके बेटे गालिबन मामून वुजू करा रहे थे, पानी डाल रहे थे और उस्ताद वुजू कर रहे थे। खलीफा हारून रशीद वहाँ पहुँच गए, नज़र पड़ी, आज का कोई इंसान होता तो दिल में उसके ख्याल है मेरे बेटे से खिदमत ले रहे हैं। खलीफा हारून रशीद ने देखा तो अपने बेटे को डांटा, कहा तुझे अभी अदब नहीं पता चला, अभी अदब नहीं सीखा तूने, उस्ताद को वजू करा रहा है, सिर्फ पानी डाल रहा है, एक हाथ से पानी डाल और एक हाथ से पैर धुलवाओ। खलीफा हारून रशीद ने अपने उस्ताद, अपने बच्चे को उस्ताद का अदब इस तरह से सिखाया। तो यकीनन हर दौर में उस्ताद का अदब होता रहा, और ये बात मुसल्लम है कि जितना अदब किया जाता है उतना ही उसे फैज़ मिलता है। इसीलिए मकूला भी बहुत मशहूर है, आम तौर पर पढ़े लिखे लोग इसको कहते भी हैं, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। जो जितना अदब करता है वो उतना ही हिस्सा पाता है, वो नसीब वाला है, और जो बेअदब होता है उसे कोई हिस्सा नहीं मिलता है। खुद माँ बाप के बारे में आप देखें कि जो बच्चा अपने माँ बाप का अदब करता है, माँ बाप उसे बहुत चाहते भी हैं, उसके लिए दुआएँ निकलती हैं, उसके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, और जो बेअदब होता है वो दिल से निकल जाता है। तो ये तो एक फितरी चीज़ भी है, इंसान के मिजाज, फितरी मिजाज से बिल्कुल करीब चीज़ है कि अदब बहुत अहम चीज़ है। अब आइए शरई नुक्ते नज़र से भी इसको देखें कि अदब की कहाँ तक हमें इजाज़त है, किस तरीके से अदब व एहतराम का हुक्म है। यूँ तो अदब व एहतराम के लिए जितने तरीक़े हैं, आम तौर पर जो उर्फ में चल रहे हैं, उन तरीक़ों में मकदार कहाँ तक यानी किस हद तक हम किसी का अदब कर सकते हैं। सवाल असल जो है वो सवाल इसी नुक्ते पर है कि किस हद तक अदब कर सकते हैं। अदब के जो एहतराम के जो मुखालिफ हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि एहतराम नहीं करना चाहिए, वो करते हैं एहतराम, लेकिन हम जिस हद तक एहतराम करते हैं वो इसके मुखालिफ हैं। बल्कि बास तो ये कहते हैं कि नहीं, अल्लाह के अलावा किसी का कोई एहतराम मत करो, अल्लाह के अलावा किसी का एहतराम मत करो, क्योंकि उनके नज़दीक तौहीद का अकीदा यही है कि सिर्फ अल्लाह का एहतराम हो, अल्लाह ताला की ज़ात की ताज़ीम हो, उसके अलावा किसी की ताज़ीम नहीं, किसी के ताज़ीम की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो
ताजीम को शिर्क कहते नजर आते हैं। यही वजह है कि बाज़ बाज़ किताबों में उन्होंने लिखा भी है कि नबी की ताजीम भी शिर्क है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये शिर्क का लफ्ज यहाँ पर ताजीम के लिए क्यों आया, उसकी एक वजह यह है कि वो ये समझ रहे हैं कि हमने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम किया, अब ताजीम का हमारा तरीका क्या है, सलातो सलाम का वक्त आया तो खड़े हो जाते हैं, हमारा ताजीम का तरीका है सलातो सलाम का वक्त आता है तो हम खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के सलाम पेश करते हैं। अब इस पर एतराज कि ये खड़े क्यों होते हैं, सलाम पढ़ना है तो खड़े होने की क्या ज़रूरत है, बैठ करके भी सलाम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि बैठ करके सलाम पढ़ने का कोई और मौका है, लेकिन खड़े होकर के सलाम पढ़ने में अदब ज़्यादा है। अब उन्होंने दलील यहाँ ये पेश किया था कि नमाज में अत्तहियात में आप सलाम भेजते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अस्सलामु अलैका अय्युन नबी, तो बैठ करके सलाम भेजते हैं तो फिर खड़े होकर के सलाम पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी साहब अलैहि रहमा, जो हमारे जमात अहले सुन्नत के एक बड़ी अजीम शख्सियत का नाम है, बहुत ही मुख्तदर आलिम दीन जिन्होंने फरोग सुन्नियत के लिए बड़ी अजीम कुर्बानियाँ अंजाम दी, उन्होंने इसका बड़ा बेहतरीन जवाब अता फरमाया था। शायद बड़े बुजुर्ग हजरात को याद होगा कि सवाल आप ये कर रहे हो कि नमाज में सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज रहे हैं तो बैठ करके सलाम भेज रहे हैं, अस्सलामु अलैका अय्युन नबी अत्तहियात में, तो खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, नमाज के बाहर भी बैठ करके सलाम पढ़ना चाहिए, यानी खड़े होकर के सलाम पढ़ने में ताज़ीम है, इसलिए इसका इनकार करते हुए ये कहा गया। तो अल्लामा निज़ामी साहब अलैहिर्रहमा ने जवाब ये फरमाया, अच्छा अगर आपके नज़दीक जो काम नमाज में जैसे हो रहा है नमाज के अलावा वैसे ही होना चाहिए, तो अब कुरान भी आपको हमेशा खड़े होकर पढ़ना पड़ेगा। कुरान पाक आप पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, बैठ करके तिलावत करते हैं, अब हम आपसे कहेंगे भाई नमाज में तो कुरान खड़े होकर पढ़ा जाता है, जब क़याम की हालत में होते हैं खड़े होकर के कुरान पढ़ते हैं, तो लिहाजा अब जब भी कुरान पढ़ना होगा तो आपको खड़े होकर के पढ़ना पड़ेगा, बैठ करके नहीं। वो शर्मिंदा हो गया, जवाब उसके पास नहीं है। जब आपकी अक्ल मारी गई है, समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये कहते हो कि नमाज में सलाम बैठ करके है लिहाजा इसके अलावा भी बैठ करके ही सलाम पढ़ना चाहिए, तो अब फिर इसका ये मतलब हुआ कि कुरान नमाज में क़याम की हालत में खड़े होने की हालत में कुरान पढ़ा जाता है, तो अब नमाज के अलावा भी जब भी कुरान पढ़ना होगा तो खड़े होकर पढ़ना चाहिए, कोई इस बात का कायल नहीं है, सब ये कहते हैं बैठ करके कुरान पढ़ें तो ठीक है। तो एक तरीका एक राइज हो गया है कि कुरान पाक की जब तिलावत की जाती है तो बैठ करके तिलावत की जाती है, कुरान पाक जब पढ़ा जाता है नमाज के अलावा तो बैठ करके पढ़ा जाता है, और शरीयत में भी ये मना नहीं है, और कुरान पाक के लिए जितना अदब आप कर सकते हैं शरीयत पाक ने हुक्म दिया है। लेकिन अब इस कर ये कहेंगे कि नहीं सलाम बैठ कर ही पढ़ना पड़ेगा, तो हम उन्हें ये कहेंगे प्यारे ज़रा इस बात को समझो कि यहाँ पर सलाम का मकाम वो तो नमाज की हालत में चूँकि कायदा है, कायदा फ़र्ज है, तो उस फ़र्ज में चूँकि कायदा बैठना ही कायदा है, जो नमाज के फ़राइज में से एक आखिरी फ़र्ज है कायदा, अब उसमें बैठना ही है तभी जाके के फ़र्ज अदा होगा, अब उसी में अत्तहियात पढ़ना है, तो इसलिए वहाँ सलाम बैठ करके पढ़ा जा रहा है। लेकिन शरीयत मुतहरा ने यह हुक्म नहीं दिया है कि अब जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना हो तो बैठ करके ही सलाम भेजना, खड़े होकर के नहीं, बल्कि उर्फ का लिहाज किया जाएगा कि हम आम तौर पर ताज़ीम का अदब व एहतराम का ये लिहाज करते हैं कि जब किसी का अदब ज़्यादा किया जाता है उसे खड़े होकर के सलाम किया जाता है। आज भी मदारिस इस्लामिया में, दीनी मदारिस में ये आज भी रिवाज, ये तरीक़ा मौजूद है, जो हजरात पढ़े लिखे हैं वो भी जानते हैं कि उस्ताद जब आते हैं तो उनके लिए तलबा खड़े हो जाते हैं सलाम करते हैं, उस्ताद के लिए खड़े होकर के सलाम किया जाता है सारे दीनी मदरसों में। तो अब यहाँ पर किसी उस्ताद के लिए खड़े होकर के सलाम करना, क्या ये शिर्क हो गया? ये भी तो ताज़ीम है, एहतराम है, लिहाजा खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ना ये अदब का तरीक़ा है, और बैठे रहना ये अदब के ख़िलाफ़ है। अब आप मुझे बताइए अल्लाह ताला की मखलूक में, पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा अदब और ताज़ीम किसकी होनी चाहिए? यूँ तो कुछ ऐसी मखसूस चीज़ें हैं जिनके अदब और ताज़ीम का हुक्म दिया गया है, ख़ास तौर पर अल्लाह के नबी हमारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और अदब
यहां तक कि नाम भी लेना है तो अदब के साथ नाम लेना, ये हमारे दीन में है। हम नाम भी हुजूर का लेते हैं तो यूं नाम नहीं लेते हैं जैसे कुछ लोग ऐसे ही नाम ले लेते हैं, हालांकि नाम मुस्तफ़ा का ये अदब और ये मकाम है कि हजरत अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े आशिक रसूल हैं वो कहते हैं, हजार बार बशोयम दहन जमुश को गुलाब हुनूस नामे तु गुफ्तन कमाले बे अदबीस, मैं अपने मुंह को अपनी जबान को मुश्क और गुलाब से हजार बार धुल लूं तब भी मेरा मुंह इस लायक नहीं है कि आपके नाम ले लूं। अल्लाह अकबर, ये आशिक रसूल की जबान है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक को जबान पर लाने में हमारा कितना अदब होना चाहिए। अल्लाह अकबर, नाम मुस्तफ़ा को जबान पर लाने में अदब का लिहाज कुरान करीम में आप देखें, कुरान करीम में अदब हमें सिखाया गया है। अगर किसी को हम पुकारते हैं, किसी को बुलाते हैं तो नाम लेकर के बुलाते हैं, ए फलां साहब इधर आ जाओ, और जो जैसे बड़ी शख्सियत होती है उसके एतबार से उनके लिए मुखातब होते हैं, उनके लिए खिताब होता है। और अगर रिश्तेदारों में जैसे कोई हमारे रिश्तेदार हैं, चचा हैं, बड़े अब्बा हैं, मामू हैं, फूफा हैं, खालू हैं, तो नाम लेकर के नहीं पुकारते बल्कि ये कहते हैं मामू जान आ जाइए, मामू जान आइए, खालू साहब आइए, फूफा साहब आइए। तो ये क्यों है? ये अदब का मकाम है, ये अदब का तरीका है, उर्फ में भी इसका लिहाज किया गया है। अगर कोई अपने मामू का नाम लेकर के पुकारता है तो पूरे मुआशरे में उसे बेअदब करार दिया जाता है, वो बड़ा बेअदब है। तो जब हमारे दीन ने, शरीयत मुस्तफ़ा ने हमें अदब इतना सिखाया है कि हमारे दरमियान जो मुहतरम हैं, मुअज़्ज़म हैं, उनका नाम भी लेना है तो बड़े अदब के साथ लेना है, और जहाँ तक नाम न लेकर के कोई खिताब हो, कोई लकब हो, उसके ज़रिए अगर उन्हें पुकारा जाए तो इसमें और ज़्यादा अदब है। अब आइए कुरान पाक में आप मुलाहिज़ा करें, अल्लाह ताला ने अपने हबीब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं नाम लेकर के नहीं पुकारा, या मोहम्मद पूरे कुरान में कहीं नहीं है। अल्लाह ताला ने जब भी अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाया है तो यूं खिताब फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ मुज़म्मिल चादर ओढ़ने वाले, या अय्युहल मुद्दसिर, यासीन, तौहा, ये खिताब हैं, ये अलकाब हैं। और लफ्ज़े मोहम्मद आया है मगर लफ्ज़े या के साथ कहीं नहीं आया है, बल्कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला ने हमको ये हुक्म फरमाया है, ला तजअलू दुआ अर रसूल का दुआई बैनकुम बादकुम का दुआई बादकुम बाद। अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमा रहा है कि तुम रसूल को पुकारने में इस तरह से न पुकारो जैसे अपने आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, यानी किसी को बुलाना होता है तो नाम लेकर ही पुकारते हैं, मगर अल्लाह ताला ने यहाँ पर सख्त मना फरमाया है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर पुकारो। और ये खिताब किससे था? ईमान वालों के लिए था, सहाबा इकराम के लिए था, उस दौर के जो ईमान वाले हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठने वाले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद जो थे सहाबा जिनका ईमान अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, मोतबर है, अल्लाह ताला उनसे फरमाता है अगर प्यारे रसूल को पुकारना हो तो नाम लेकर के मत पुकारो जैसे तुम आपस में एक दूसरे का नाम लेकर के पुकारते हैं। अब मुझे बताइए, ये अदब नहीं है तो और क्या है? ये अदब का हुक्म नहीं दिया गया तो और क्या है? तज़ीम का हुक्म कुरान मुकद्दस में जगह जगह हमें फरमाया गया। और इसी तरह से अल्लाह ताला का ये भी इरशाद है, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़्वल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की तज़ीम करे उसको दिली परहेजगारी हासिल होगी, वो मुत्तकी दिल होगा, उसके दिल को हम परहेजगारी अता करते हैं। यही तज़ीम शाइरल्लाह, अल्लाह की निशानियों की तज़ीम, अल्लाह की निशानियों का एहतराम, ये हमारे दिल के परहेजगारी का एक बेहतर सबब है। अब आपसे इस बारे में मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपने सवाल समझने के लिए किया है तो जवाब कुरान मुकद्दस की रोशनी में हाजिर है, और हदीस पाक भी आप मुलाहजा करें, शायद आपने कई बार सुनी होगी। फिर मैं अर्ज कर रहा हूँ, रसूल कायना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और जो बड़ों की ताज़ीम नहीं करता वो हम में से नहीं है। बड़ों की ताज़ीम नहीं करने वाला, हुजूर ने फरमाया वो हम में से नहीं है, अब वो किस में से होगा? यानी इसका मतलब ये वो बेअदब है, वो अदब वाला वही है जो बड़ों की ताज़ीम करे। तो अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ताज़ीम का हुक्म दिया है, अदब का हुक्म दिया है कि जो बड़े हैं उनका अदब करो, बड़ों का एहतराम करो। आज यहाँ पर रुक करके
एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारे माशरे में, हमारे समाज में आज बच्चों को हम देखते हैं कि वो बड़ों का एहतराम नहीं करते हैं, बड़ों का अदब नहीं है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि घर में वालिदैन जो तरबियत देना चाहिए वो तरबियत नहीं देते हैं, कभी उनको ये सिखाते ही नहीं हैं। माशाल्लाह बहुत ऐसे भी हैं जो अपने घरों में अपने बच्चों को तरबियत देते हैं, और जो तरबियत देते हैं बचपने में वो तरबियत आखिर तक उनके जहन में रहती है और वो तरबियत उन्हें काम आती है। और कहीं भी वो बच्चा अगर जाता है, अदब करता है, तो देखने वाला उस बच्चे की तारीफ से ज़्यादा माँ बाप की तारीफ करता है, इसके माँ बाप कितने अच्छे हैं जिन्होंने इसको अदब सिखाया है, माँ बाप की तारीफ होती है। लिहाजा हर माँ बाप को अपने बच्चों को अदब सिखाना चाहिए कि हमारा बेटा कहीं बेअदबी का मुजाहरा ना करे, बेअदब ना हो जाए, गुस्ताख ना हो जाए, इसलिए कि बेअदबी और गुस्ताखी इंतहाई महरूमी का सबब है। सरकार सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु जब बगदाद में तशरीफ़ फरमा थे, अभी इब्तदाई दौर है, उस वक्त आपने ये सुना कि कोई एक बड़े वली हैं, कोई अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हैं, उनकी ज़ियारत के लिए लोग जा रहे हैं। तो आप जब दारू मदरसे में पढ़ रहे थे, इल्मी दीन हासिल कर रहे थे, जब आपको ख़बर मिली तो आपने कहा हम भी चलते हैं, उनकी ज़ियारत करेंगे। तो दो साथी और तैयार हो गए, तीन हज़रात मिल करके उस वली की ज़ियारत के लिए गए। वहाँ जब पहुँचे तो पहुँचने से पहले ये जो दो साथी थे हुज़ूर गौसे पाक के, उनमें से आपस में उन्होंने मशवरा किया या जहन में ख्याल आया कि एक ने कहा था मैं उनसे ऐसा सवाल करूँगा कि वो जवाब न दे पाए। जहन में उसके एक सवाल ये था, क्योंकि उनकी शोहरत बहुत हो रही है, उनके इल्म का चर्चा हो रहा है, लिहाजा ऐसा मैं सवाल कर लूँगी कि वो जवाब नहीं दे पाएगा। जब वो जवाब ना दे पाएँ तो हमको समझ में आ जाएगा कि कितने पानी में। आज भी कुछ लोग कभी कभी किसी आलिम दीन और किसी इमाम से इस तरह से सवाल करने के लिए आते हैं ताकि ये जवाब नहीं देंगे तो सबके सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। इस नज़रिए से, इस नीयत से जो सवाल करता है वो ज़रा समझ जाए, अगर उसके दिल पर कोई नाजुक दिल पर कोई असर हुआ और वो सदमा हुआ, उसके दिल से बद्दुआ भी निकल सकती है। लिहाजा किसी को शर्मिंदा करने के लिए, जलील और रुस्वा करने के लिए, इल्म को जांचने के लिए सवाल न किया जाए, बल्कि अपनी मालूमात के लिए सवाल किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। जब वो वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने जैसे ही वहाँ पहुँच करके ज़ियारत की है, वो जो अल्लाह के वली थे उन्होंने देखते ही उनका इस्तकबाल किया, और फिर उनके आते ही उनके ख्यालात को उन्होंने ख़ुद जाहिर किया। तुमने ये सोचा था, तुमने ये ख्याल किया था, तुम्हारे साथ ये होगा। और वो शख्स जिसने ये दिल में ख्याल किया था, ये सोचा था कि ऐसा सवाल करूंगा कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे, और वो सवाल जहन में लेके गया था, उसके सवाल करने से पहले उन्होंने बता दिया कि तेरे जहन में ये सवाल था और तूने सोचा था कि मैं सवाल करूंगा जवाब नहीं दे पाएंगे, उसका जवाब ये है। और जा, तेरे लिए मेरी तरफ से ये हुक्म है, ये बात है कि तू किसी बदकार के मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगा और तेरा ईमान खतरे में है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु को देख करके मुस्कुरा करके कहा कि तू बहुत ही बाबरकत इंसान है और तू बहुत शरीफ इंसान है, और मैं तेरी पेशानी पर विलायत के आसार देख रहा हूँ। एक वक्त वो आएगा कि बगदाद की जामे मस्जिद में खड़े होकर मिंबर से तू कहेगा मेरा यह कदम सारे वलियों की गर्दन पर होगा। उसी वक्त उन्होंने कह दिया। उसके बाद ही क्या हाल यह हुआ कि वो शख्स इब्न सक्का, जो कि इल्म में मुनाजरे में बहुत मशहूर था, मुनाजरे किया करता था ईसाइयों से, पादरियों से, और हक का बहुत बुलबुला हो रहा था, मगर वली की निगाह में वो गिर गया और उन्होंने उसके लिए ऐसी जबान से ऐसे जुमले निकाले, अल्लाह ताला ने उनकी जबान से निकले हुए जुमले की उनके हाथ पर उस शख्स को ऐसे खतरनाक चीज़ में मुब्तला फरमा दिया कि वो किसी ईसाई हसीन खूबसूरत औरत के इश्क में मुब्तला हो गया। फिर उसके बाद उसको जब हासिल करने के वो कोशिश करने लगा तो उस औरत ने उसके लिए शर्त लगा दिया था, जो शर्तें उसने पूरी कर दी, यहाँ तक कि उसने ईसाई मज़हब कबूल कर लिया, ईमान उसका गया, खतरे में गया, ईमान को छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया। फिर उसके बाद जब उससे निकाह की बात आई, उसको शादी करने की बात आई, उसने कहा शराब पीना होगा, खिंजीर को लाना होगा। तो वो शख्स जो आलिम था और बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन वली की बारगाह का गुस्ताख हो गया, इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने उसके ईमान को छीन लिया। अल्लाह ताला की तरफ से उस पर एक ऐसा अजाब हुआ कि वो एक ईसाई औरत के हुस्न में, इश्क में मुब्तला होकर ईमान से हाथ धो बैठा, और उसके बाद अपने कंधे पर खिंजीर को लाद करके ला रहा है।
पूरे अवाम में जलील हो गया, रुस्वा हो गया। इसलिए अर्ज करना चाहता हूं, जो वलियों का बेअदब होता है यकीनन उसके ईमान जाने का खतरा है। और अल्लाह तबारक तआला अपने उन बंदों पर बहुत ज़्यादा करम फरमाता है जो वलियों से बाअदब होते हैं, वलियों की बारगाह में बाअदब होते हैं, ताज़ीम करते हैं। अब आइए खुलासा जवाब अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह के वलियों की बारगाह में अदब का मुजाहरा होना चाहिए, बेअदबी का मुजाहरा कभी नहीं होना चाहिए। उनका नाम लेने में, उनका तस्करा करने में, उनकी हयात का तस्करा करने में, उनके हालात का जिक्र करने में जहां तक हो सके अदब का लिहाज हो, और साथ ही साथ उनकी बारगाह में हाजिर होने का भी, जो हमारे अकाबिर बुजुर्गान दीन उलमाए इकराम ने तरीका बताया है कि अदब के साथ हाजिरी दें, इस तरह से कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं जिस तरह उनकी हयात ज़ाहिरी में अदब के साथ उनके सामने हम हाजिर होते हैं, इसी तरह से उनके विसाल के बाद उनके कब्र पर अगर हाजिर हो रहे हैं तो उसी अदब के साथ हाजिर हों, चार कदम दूर खड़े रहें, उनकी बारगाह में इसाले सवाब करें, फातिहा करें, उनके वसीले से अपने हक में दुआ करें, फिर उसके बाद अदब के साथ चले आएं। अब मसला ये आता है कि कब्र को चूमा जाए और उनकी चादर को चूमा जाए तो ये भी ताज़ीम है या नहीं, और ये ताज़ीम शिर्क है या नहीं। इस सिलसिले में साहिल ने इसी नुक्ते को रख करके कहा था कि अगर ताज़ीम यहाँ तक इस हद तक की जाए कि अगर हमने अपना सर रख दिया और उनके कब्र के पास हमने सर रख दिया, सर टेक दिया, तो ये ताज़ीम हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या शरीयत इसकी इजाज़त देती है? तो इस सिलसिले में ताज़ीम के बारे में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने यहाँ तक फरमाया कि कब्र को चूमना या चादर को चूमना तो जायज़ है, लेकिन चूमने के लिए पेशानी नहीं रखी जाती है, पेशानी रखना ये दुरुस्त नहीं है, लिहाजा ये सजदे की शक्ल बन जाती है, हालांकि ये भी सजदा नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये सजदा है, सजदा कर रहे हैं कब्र को सजदा, अरे सजदा हो ही नहीं सकता अल्लाह के अलावा किसी के लिए, इसलिए कि सजदे के लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि जिसके लिए किया जाए वो खालिक हो, वो सारी कायनात का खालिक हो और वो माबूद हो, तब उसके लिए जो सजदा कर रहा वही सजदा होगा। लिहाजा अल्लाह के अलावा अगर किसी लिए कर रहा है तो उसको ताबीर के लिए कहा जाता है कि ये सजदे ताज़ीमी कर रहा है, और हमारी शरीयत में सजदे ताज़ीमी भी हराम है, लिहाजा इससे बचना है। अब सजदा नहीं तो चूमने की जो सूरत आ गई, चूमने की सूरत यह है कि जिस चीज़ को अल्लाह के वली के मज़ार से नस्बत हासिल है उसे चूमा जा सकता है, और चूमने के लिए होंठ लगते हैं, चूमने के लिए पेशानी नहीं लगती है, चूमने के लिए होंठ लगते हैं। लिहाजा अगर किसी मुसलमान ने अल्लाह के वली के मज़ार की चादर को चूम लिया तो ये हराम नहीं है, ये शिर्क नहीं है, बल्कि बिल्कुल जायज़ो दुरुस्त है, सही है। मगर बाज़ उलमा ने ये चूमने को भी इसलिए मना फरमाया कि कहीं देखने वाला उसको सजदा न समझ ले और वो उस पर तोहमत न लगाए कि ये तो सजदा कर रहा है, जैसा कि आजकल बहुत सारे लोग इस सिलसिले में तोहमत लगाते हैं कि ये सजदा कर रहे हैं, हालांकि वो सजदा नहीं है, चूमना है। और मोहब्बत और अकीदत में अगर वली के मज़ार की चादर को चूम लेता है तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई नाजायज़ हराम शरान हराम नहीं है। अलबत्ता अदब यह है कि हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो फरमाया कि अगर बहुत ज़्यादा अकीदत है और हमने उनके कब्र पर ये रुखसार को, दाहिने रुखसार को रखा और होंठ से चूमा, तब भी ये जायज़ व दुरुस्त है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मगर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि दो चार कदम दूर रह करके अदब के साथ खड़े होकर फातिहा पढ़ें, इसाले सवाब करें, उसके बाद न चूमे हुए अगर आ जाएं तो ये बेहतर है, लेकिन अगर अकीदत में चूम ले तो कोई हर्ज नहीं। ये क्यों आपने फरमाया? इसलिए ताकि किसी को बदगुमानी ना हो कि ये सजदा कर रहा है। अलबत्ता जो हजरात अभी भी जहालत में, लाइलमी में पेशानी रख देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है, इससे परहेज़ करना होगा। और साथ ही साथ औलिया इकराम की बारगाहों का अदब ये भी है कि वहाँ पर अदब के साथ खड़े रहें। आमतौर पर यह भी देखा गया कि जब वहाँ उर्स का मौका होता है खूब चीख पुकार, बहुत चिल्लाते रहते हैं, जो शोर शराबा होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कब किसी मौज़म दीनी के सामने हम पुकारते चिल्लाते नहीं हैं, तो वो अभी कब्र में हमारे सामने मौजूद हैं, उनके यहाँ भी हमें वैसे ही अदब का मुजाहरा करना चाहिए, और जितना अदब होगा उतना ही फैज़ान मिलेगा, जितने अदब के साथ हाजिरी होगी उतनी ही उसकी बरकतें हासिल होंगी। इंशाल्लाह मज़ीद तफसीलात फिर कभी अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह ताला हम सबको
औलिया अल्लाह का और हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअद्दब बनाए, अदब और ताज़ीम का अल्लाह ताला हमें तरीक़ा और सलीक़ा अता फ़रमाए, और बेअदबों से और बेअदबी से अल्लाह हमें हमेशा महफूज रखे, ईमान की सलामती अता फ़रमाए, ईमान ही पर ख़ात्मा नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन।